प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपक सालवी, सहायक आचार्य, चित्रकला विभाग, राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा से आपके साथ में भारतीय कला की इस यात्रा में आगे की कड़ी बढ़ाते हुए मैं अजंता की प्रमुख गुफाओं के बारे में आपको बता रहा हूँ कि अजंता की प्रसिद्ध जो गुफाएं हैं उनकी गुफाओं का प्रसिद्धि का उसमें क्या क्या चित्र हैं, क्या चीज़ बनी हुई है, उसको हम अध्ययन कर रहे हैं। बहुत सारे चित्रों का हमने अध्ययन किया है। इसी प्रकार से हम आगे की कड़ी में इस कड़ी को जोड़ते हुए अजंता के चित्रों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो गुफा संख्या एक के बारे में अध्ययन कर रहे थे। चूंकि समय सीमा के कारण पिछले ई लेक्चर में उसको पूरा नहीं कर पाए, तो हम इस ई लेक्चर में अजंता की गुफा संख्या एक में चित्रित चित्रों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें गुफा संख्या एक में एक अन्य चित्र मार विजय नामक चित्र इस गुफा का विश्व प्रसिद्ध चित्र है। कि ऐसा माना जाता है कि जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने वाला था, सर्व ज्ञान प्राप्त होने वाला था, तब अनेक प्रकार के उनको परेशानियां, संकट, प्रलोभन उनके उस वक्त जीवन में आए। इन सभी संकटों को, इन सभी परेशानियों को कामदेव की सेना कहा गया है शास्त्रों में। और इन सभी संकटों ने, परेशानियों ने भगवान बुद्ध को अनेकों प्रकार से विचलित करना चाहा, उन्हें डराया, धमकाया व आकर्षित करके करना चाहा और अपनी तपस्या को भंग करने के लिए बहुत परेशान किया। किंतु गौतम बुद्ध जो हैं उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और चित्र में तपस्वी के रूप में ध्यानमग्न बैठे हुए बुद्ध को लाल बुना आदमी अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर उनको डराने का प्रयास कर रहा है और एक भयानक आकृति तलवार चला रही है। तो इस प्रकार से बुद्ध के तपस्या को भंग करने के लिए विभिन्न प्रकार के परेशानियां, प्रलोभन आ रही थी। तो जैसे कि कोई कमल का पत्ता जल में रहने के उपरांत भी गीला नहीं होता, ठीक उसी प्रकार भगवान बुद्ध इन सब के मध्य निर्विकार भाव से सांसारिक दुखों को दूर करने के लिए भूमि को साक्षी बनाकर वज्रासन की मुद्रा में लीन बैठे हुए हैं। चित्र की पृष्ठभूमि में बोधि वृक्ष को चित्रित किया गया है, जो बौद्ध धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, जिसके नीचे बैठकर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और बुद्ध के चेहरे पर अभय और शांति के भाव हमें दिखाई देते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये तो एक नंबर गुफा के चित्रों का हमने अध्ययन किया। उसी प्रकार से गुफा संख्या दो के प्रमुख चित्रों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। यह गुफा 500 से 550 ईस्वी के मध्य बनी है, ऐसा विद्वान लोग मानते हैं। और कुछ विद्वान मानते हैं कि इस गुफा में 7वीं शती तक चित्र बने हुए हैं। इस चित्र गुफा के आगे एक बरामदा व दोनों कोठरियां बनी हुई है, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं। इसमें नागराज, दास दासियों एवं यक्ष के चित्र मौजूद हैं। इसमें मुख्य द्वार पर विभिन्न प्रकार के हमें अलंकरण संदर्भ देखने को मिलते हैं। तो इसके चित्र हम पढ़ रहे हैं। माया देवी का स्वप्न, यह चित्र अजंता की गुफाओं में सबसे अच्छे चित्रों में गिना जाता है। बुद्ध जन्म के चित्रों के नीचे माया देवी का शयन कक्ष है।
जहाँ वह सो रही है, एक सफेद हाथी को अपने गर्भ में प्रवेश करते हुए देख रही है। चित्र में कलाकार ने सफेद गोल आकार या प्रताप पुंज के प्रतीक से स्वप्न की कथा का निरूपण किया है। तो ये है माया देवी का स्वप्न। अगला हमारा चित्र है बुद्ध जन्म। तो बुद्ध जन्म के अंतर्गत बुद्ध में जन्म होने वाले चित्र में महामाया तथा शुद्धोधन को स्वप्न की चर्चा करते हुए दर्शाया है। और इस दृश्य में चारों ओर परिचारिकाएं, दास दासियां खड़े हैं। इन सभी की आकृतियां हमें बड़ी सुंदर है, भाव भंगिमाएं बड़ी रोचक हैं, सुंदर हैं और आकर्षक हैं। अब एक चित्र इसमें बहुत अच्छा चित्रित है, गुफा संख्या दो में बाएं अंगूठे वाली रमणी। इस गुफा की दाहिनी ओर एक स्तंभ के सहारे रत्नाभूषणों से सुसज्जित एक रमणी की भव्य आकृति है, जिसका बाया पैर एक कोमल तालिका के समान बड़ी स्वाभाविकता से मुड़कर खंभे पर टिका है और शरीर का ऊपरी भाग खंभे से सटा हुआ है और कुछ गर्दन झुकी हुई है। कुछ विद्वानों ने इसे भगवान बुद्ध की विमाता माना है। इस चित्र में चित्रकार ने भूलवश कहें या जानबूझकर रमणी के दोनों पैर की अंगुलियां एक समान बना दी है, जिसके कारण यह आकृति दो बाएं वाले अंगूठे के रमणी के नाम से विश्वविख्यात है। अब आता है तुषित स्वर्ग। तुषित स्वर्ग में भगवान बुद्ध को स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान भव्य रूप में अंकित किया गया है और उनका एक हाथ धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में है और मुखमंडल के चारों ओर प्रभापुंज, जिसको आभा मंडल कहते हैं, बना हुआ है। और भगवान बुद्ध की आकृति, भगवान बुद्ध की जो दृष्टि है वो चिंतनशील है, गंभीर है, जैसा कि चित्र में दिखाई देता है। पास ही में जो देवतागण हैं उनको सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं। पूरे चित्र में आकृतियों की मुद्राएं और भाव भंगिमाएं सुंदर अंकन है। सर्वनाश, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है। सर्वनाश, इस गुफा के एक चित्र में एक वृद्ध भिक्षु लकड़ी के सहारे खड़ा है और उसका बायां हाथ थोड़ी से चिंता की मुद्रा में लगा हुआ है, और दायां हाथ इस प्रकार घूम गया है कि मानो पूरी पृथ्वी पर सब कुछ नष्ट हो गया है, सब कुछ मिथ्या है, कि इस संदेश के भाव को व्यक्त कर रहा है। उसके नेत्रों तथा मुखों के भावों में अथाह अनुभव, अवसाद, असहायता अभिव्यक्त हो रही है। यह चित्र मुख होने पर भी, यानी कि निर्जीव होते हुए भी, मानो सब कुछ हमारे सामने अभिव्यक्त कर रहा है। इसी प्रकार से ये हम महत्वपूर्ण गुफाओं के बारे में, इनके प्रमुख चित्रों के बारे में हमने पढ़ा। अन्य गुफाओं में भी हमें कुछ कुछ चित्र देखने को मिलते हैं, जो कि जिसपे शोध किया जा रहा है, शोध किया भी गया है, उनको भी हमको एक नज़र, उन चित्रों के ऊपर भी हमको डाल लेनी चाहिए। गुफा संख्या 19, यह एक चैत्यगृह है। इसमें पत्थर को काटकर अलंकरण किया गया है। चित्रों में गौतम बुद्ध का चित्र और सामने की छत पर सुंदर आलेखन बने हुए हैं। गुफा संख्या 11, इस गुफा में हस्ती जातक नंद की कथा और विरह में व्याकुल एक रानी का चित्र है। और अन्य चित्र में बांध के सहारे कुछ बालक एवं स्त्रियां सरोवर में, तालाब में स्नान करती हुई चित्रित है। गुफा संख्या 6, इन गुफा के चित्रों
चित्र 19वीं गुफा के चित्रों से समानता रखती है 6 नंबर गुफा की। और जैसा कि हमने पहले बताया है, किसी कुशल चित्रकार में ने केश संस्कार से युक्त सुमरी को बनाया है। भिक्षु तथा द्वारपालों के चित्र भी हमें देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार अजंता के जो चित्र हैं उनका हमने अध्ययन किया। इन चित्रों में अधिकांशतः भगवान बुद्ध और बुद्ध के जन्म से संबंधित जातक कथाओं का अंकन देखने को मिला। यह विश्व प्रसिद्ध गुफाएं भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये अजंता गुफा और अजंता गुफाओं की स्थिति और अजंता गुफाओं के चित्रों के विषय वस्तु, इनकी कथानक के बारे में, इन सब चीज़ों को बताया कि किस गुफा में किन प्रकार के चित्रों का अंकन है। कोई कोई चित्र समझने की बात है, कोई कोई चित्र किसी गुफा में हमें रिपीट होते हुए या दोबारा एक ही कथा का चित्र हमें अनेक गुफा में देखने को मिलता है और मिल सकता भी है। तो इनको हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये गुफाओं का हमको अधिकतर कहीं प्रश्नों में पाठ्यक्रम अनुसार जो प्रश्न पत्र बनते हैं उसमें कहीं पूछा जाता है या जा सकता है कि गुफा संख्या 1 और 2 के, जैसा कि असाइनमेंट में मैंने दिया है कि जैसे कि गुफा संख्या 1 और 2 के चित्रों के ऊपर प्रकाश डालिए, तो आपको याद होना चाहिए कि 1 गुफा नंबर में कौन से चित्र हैं, इसका निर्माण कब हुआ, और गुफा संख्या 2 में कौन से चित्र हैं, इनका निर्माण कब हुआ, इनका निर्माण किसने कराया, किनके शासनकाल में इनका निर्माण हुआ, ये गुफाएँ कहाँ स्थित है, किन गुफाओं के मध्य स्थित है। तो इन गुफाओं के चित्रों के बारे में हमको अध्ययन करना नितांत आवश्यक है। और गुफाओं के जो जातक कथा, जैसा कि पहले मैंने बताया था कि अजंता की गुफाओं में केवल और केवल बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रों का ही हमें अंकन देखने को मिलता है। तो विद्यार्थी इन चीज़ों को, जो शुरू का प्रेफेस है, जो प्रस्तावना है, उनको अच्छे तरीके से पढ़ लें। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि गुफा के चित्रों की ऑल ओवर, मतलब पूर्ण रूप से अजंता के गुफा चित्रों पर एक निबंध लिखिए, तो उस वक्त आपको निबंध के अंतर्गत गुफा के जो कहाँ स्थित है, सर्वप्रथम गुफा कहाँ स्थित है कि अजंता बगुरा नदी के किनारे पर घोड़े की नाल के जैसे स्थित है, और इसमें कितनी गुफाएं हैं, इन गुफाओं की स्थिति क्या है, इन गुफाओं की खोज कैसे हुई, इन गुफाओं की खोज के पश्चात में इन गुफाओं को कैसे कैसे शोध पत्र लिखे गए, किन किन विद्वानों ने इन गुफाओं के चित्रों को विश्व पटल पर लाने का प्रयास किया, और गुफा चित्रों के प्रयास किया से किन किन विद्वानों ने या चित्रकारों ने इनकी अनुकृतियां बनाई, ये भी आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा के दौरान। और इसके अंतर्गत गुफा जो है, अजंता की गुफाएँ हैं, इनको वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला, इनका त्रिवेणी संगम कहा गया है, माना गया है, क्योंकि हमें इन तीनों कलाओं के अवशेष या तीनों कलाओं के संदर्भ उदाहरण देखने को मिलते हैं। और चित्रों को बनाने की जो विधि है, गुफा चित्रण, फ्रेस्को, सेको, फ्रेस्को बुनो, तो इन किन विधियों में इस पे अंकन किया गया, और चित्रण बनाने से पहले, चित्रों को बनाने से पहले गुफाओं की दीवारों को किस प्रकार की भूसी, किस प्रकार का गोंद, किस प्रकार के अलसी के तेल में उसको भिगो कर रखा गया, अंडे की परत जितना अलसी के तेल में, तो ये सब चीज़ें, और गीले गीले पे काम किया गया, जिससे हम उन चित्रों को आज भी अच्छी हालत में देख सकते हैं। तो ये प्रिय विद्यार्थी, ये सब चीज़ें हमको चित्रण विधि का भी पता होना चाहिए। उसके अलावा मैंने जैसे बताया कि गुफा के कौन सी गुफा कौन से राजा के शासन में बनी या किस शासन के कौन से धनाढ्य व्यक्ति या बड़े व्यक्ति के, उच्च वर्ग व्यक्ति के उसने बनाई, कौन सी गुफा का या कौन सा चित्र कौन सी गुफा में प्रसिद्ध, चित्र सारे ही प्रसिद्ध होते हैं, तो कौन सी गुफा में कौन सा चित्र हमें देखने को मिलता है, तो इन सब का हमको एक कागज पेन लेकर बैठ के, इसको जो मैंने ये लेक्चर दिया है वो
और एक मैंने जो पीडीएफ नोट्स आप लोगों को दिए हैं वो आप अच्छी तरीके से लिखें तो निसंदेह ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और इस कला यात्रा को बहुत अच्छी तरीके से हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।